हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था आवेशन किस प्रकार से होता है। बेसिकली आवेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो आवेशन किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही आवेशन कहलाता है। अब आवेशन की मैंने लास्ट टाइम पे तीन टेक्निक बताई थी, यानी कि आपको तीन इसकी विधियां बताई थी। उनमें पहली विधि है घर्षण। देखो बेटा, घर्षण जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके मध्य घर्षण होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टेट में क्या होता है कि घर्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान से देखिए डेफिनेशन में, इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और उस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये आप लोग सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जब किसी को दिया जाता है तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन वो अगर त्यागता है तो उस वस्तु पर आ जाता है धनावेश, और अगर इलेक्ट्रॉन कोई वस्तु ग्रहण करती है तो उस पर आ जाता है ऋणावेश। बस यही टेक्निक अपना पहला पॉइंट है, घर्षण द्वारा दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और उस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वह धनावेशित होती है और जो ग्रहण करती है वो ऋणावेशित होती है। और इसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी बता दिया और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्केल को बालू से रगड़ो, रगड़ने के पश्चात वो आवेशित हो जाती है और छोटी छोटी कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अब देखो इसमें कुछ बेसिक से एग्जाम्पल है कि भाई स्केल पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, कागज के टुकड़े किस प्रकार से होते हैं, आप उसकी छड़ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, या फिर प्लास्टिक की छड़, एबोनाइट की छड़, अंबर, ये पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव, वो अपन को कैसे पता चलेगा। तो बेटा ये देखो एक एक्सपेरिमेंट होता है विद्युत दृश्य, अपने सिलेबस में है, अगला ही जो टॉपिक है वो विद्युत दृश्य का होगा, उसके द्वारा अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा आवेश है और कितनी मात्रा में है, उससे पता किया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, टेबल बना रखी है मैंने, देखो यहां पर ये तो है फर्स्ट, ये है सेकंड, फर्स्ट में पॉजिटिव सेकंड में नेगेटिव। अब देखो अगर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं कांच की छड़ और रेशमी कपड़ा, इधर देखो कांच की छड़ है और इधर है रेशमी कपड़ा, अगर मैं कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ता हूं तो रेशमी कपड़े के ऊपर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कहने का मतलब है कांच की छड़ कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर रेशमी कपड़े को प्रदान कर देगी, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धनात्मक, और रेशमी कपड़ा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। तो अगर कांच की छड़ और रेशमी कपड़े का कॉम्बिनेशन लें तो कांच की छड़ पॉजिटिव और रेशमी कपड़ा नेगेटिव। इसी प्रकार से बिल्ली की खाल और प्लास्टिक की छड़, तो बिल्ली की खाल तो होगी पॉजिटिव और प्लास्टिक की छड़ होगी नेगेटिव, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ लें तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पे आ जाते हैं, तो यानी कि बिल्ली की खाल पॉजिटिव और एबोनाइट की छड़ नेगेटिव। इसी प्रकार से ऊनी कपड़ा और ऊनी कपड़े के ऊपर अगर अपन अंबर, एबोनाइट, प्लास्टिक या रबर, इन चारों को ऊनी कपड़े पर रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़ा अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन त्याग करके अंबर, एबोनाइट, प्लास्टिक और रबर इनको प्रदान कर देगा। तो ऊनी कपड़ा कैसा हुआ, पॉजिटिव, और जो अंबर, एबोनाइट, प्लास्टिक, रबर, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये टेबल ध्यान रखनी है, इसका कोई जरिया नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल निकाली जाती है एक्सपेरिमेंट से, तो इसलिए अपन को याद करना ही पड़ेगा। बस इतना ध्यान रख ले कि कांच की छड़ है ना, उसको रेशमी कपड़े के साथ लाते हैं तो कांच की छड़ पॉजिटिव, बाकी रेशमी कपड़ा नेगेटिव। इसके अलावा जितनी भी छड़े होती है ना, चाहे बिल्ली की खाल पे रगड़ो चाहे ऊनी कपड़े पे, वो सारी की सारी छड़े होती है या फिर जो भी आप इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे नेगेटिव ही होते हैं, बाकी पॉजिटिव। बस ये ऊपर वाला एक एक्सेप्शन है कांच की छड़ और रेशमी कपड़े का, वो ध्यान रखिए। तो बेटा ये तो हुआ घर्षण द्वारा। अब दूसरा आता है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। ये बेटा समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज दे दो टंकियां हैं पानी की, एक पूरी भरी हुई है और एक पूरी खाली है। अगर दोनों को मैं पाइप के द्वारा जोड़ दूं तो क्या होगा, जो पूरी पानी से भरी हुई टंकी है उससे पानी निकलेगा और खाली वाली टंकी में
प्रवेश करेगा, और कब तक करेगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। इतना क्लियर है? तो इसी के अनुसार, इसी के समांतर अगर एक चालक गोला है वो पूर्णतया आवेशित है और दूसरा उदासीन है। अगर मैं दोनों को स्पर्श कराऊं, ध्यान रखना घर्षण नहीं करवाना इस बार, अगर मैं उनको स्पर्श कराता हूं किसी भी विधि द्वारा, तो स्पर्श कराने पर जो भरी हुई टंकी के समान जो आवेशित चालक है उससे आवेश निकलेगा और किधर जाएगा? उदासीन वस्तु पर। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए। और यही विधि कहलाती है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इसकी डेफिनेशन है, यदि किसी आवेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराया, सॉरी एक मिनट, यदि किसी अनावेशित चालक को, यदि किसी अनावेशित या उदासीन चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, तो अनावेशित चालक पर आवेशित चालक से बराबर आवेश प्राप्त किया जाता है। संपर्क में स्थित दोनों वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर सीधा आवेश स्थानांतरण होने को संपर्क द्वारा आवेशन कहा। तो ये तो बेटा हुई इसकी डेफिनेशन। अब जरा इसको थोड़ा सा डायग्राम द्वारा समझ लें। बेटा देखो, यहाँ स्थिति ए है, स्थिति बी है और स्थिति सी है। ये देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये गोला है जो कि चालक है, कुचालक स्टैंड है ये, और ऊपर है वो चालक का गोला है। अब देखो इस पहली स्थिति में ये पूरी तरह से उदासीन है, यानी अनावेशित है, यानी ये खाली टंकी है और ये भरी हुई टंकी है। देखो इसमें कितने आवेश दिखा रखे हैं मैंने, 6 आवेश दिखा रखे हैं, तो यानी ये आवेशित है। अब स्पर्श द्वारा आवेशन क्या बताया है? दोनों को स्पर्श कराना है। तो बेटा दोनों को स्पर्श करा दिया मैंने, तो स्पर्श कराने पर क्या हुआ? देखो बेटा, इनको स्पर्श कराने का तरीका कोई सा भी हो सकता है, चाहे किसी भी शून्य विद्युत धारिता वाले चालक तार से करवा सकते हो, चाहे किसी अन्य विधि द्वारा। तो इनको आवेशित करा दो, संपर्क में है, तो संपर्क में है। तो इसमें देखो, ध्यान से, संपर्क में लाना है तो संपर्क में आप चालक तार लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिखा दोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे ही मैंने लगाया तो इस वाले भाग से आवेश निकल कर किस पर जाएंगे? इस खाली वाले भाग में। और कब तक जाएंगे? जब तक दोनों में बराबर आवेश ना हो। तो इसमें 6 थे, तो 6 निकल कर इसमें चले जाएंगे, कितने? 3। तो 3 इसमें रह गए और 3 इसमें रह गए। तो यहां संपर्क में है अभी तक। एक बात ध्यान रखना, अगर 6 है तो 3 इसमें रहेंगे, 3 इसमें रहेंगे। अब कईयों के सवाल में ये आएगा दिमाग में कि इसमें 7 हो, तो बेटा 7 होने की स्थिति में 3 और 3 तो बराबर पट गए, लेकिन जो एक आवेश है वो एक आवेश या तो इसकी सतह पे आ जाएगा या इसकी सतह पे आ जाएगा, यानी वो इनमें इन्वॉल्व नहीं होगा, वो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों के ऊपर एक समान आवेश ही आएगा। अब तीसरी स्थिति है, दोनों को अलग कर दिया, अलग कर दिया तो आवेशित हो गए दोनों। तो यहां से देखा अनावेशित वस्तु है, उसको संपर्क में किया तो बराबर बराबर आवेश बट गया और दोनों के ऊपर बराबर आवेश आ गया। बेटा इसे कहते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन, ठीक है। अब तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे और वो अपन अगले लेक्चर में।